एवरीवन, मैजिक मसाला भाई माला की किचन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं बनाने जा रही हूँ ढाबा स्टाइल दाल मखनी, जो बहुत ही यम्मी और टेस्टी है। इसमें मैंने एक ऐसी चीज़ डाली है जिसका स्वाद और बढ़ गया है। आप इसे प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिए, पूरा वीडियो देखिए, और मेरे चैनल पर जो लोग नए हैं इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों ये दाल के लिए हमें क्या चाहिए होगा एक बार देख लेते हैं। 1/4 कप चने की दाल है और 1/4 कप राजमा है, और 2 कप है साबुत उड़द की दाल जो मैंने 10 से 12 घंटे भिगो लिए हैं। ये देखिए मैंने पानी निकाल लिया, भिगोने के बाद अच्छे से फूल गई है दाल। दाल ओवरनाइट भिगोना बहुत ज़रूरी है, जिससे अच्छे से भीगेगी तभी दाल अच्छे से बन भी पाएगी। चलिए इसको मसल मसल के धो लेंगे, जिससे इसमें मिट्टी धूल जो भी हो वो निकल जाएगी, और जो ये कालापन होता है ना दाल का, ऊपर का जो रहता है केमिकल वगैरह, वो भी निकल जाएगा। दोस्तों इस तरह से बनाइए और कमेंट बॉक्स में लिखिए किस तरह से आपकी दाल बनी। ये देखिए मैंने धो के निकाल लिया, और मैंने अब इसको डाल लेंगे कुकर में। कुकर से मैं सीटी लगाने से ये अच्छे से गल जाएगी, मैश हो जाएगी, और हमारा टाइम भी बचेगा, लेकिन स्वाद में कोई फ़र्क नहीं आएगा। आप देखिए बनाइए। चलिए मैंने दाल डाल ली कुकर में, अब मैं कुछ चीज़ें डाल रही हूँ इसको और भी टेस्टी बनाने के लिए। ये मैंने अदरक डाला आधा छोटा चम्मच, और लहसुन आधा छोटा चम्मच, ये देखिए, और मैं इसमें प्याज डालूंगी कटा हुआ 2 बड़े चम्मच। आप बनाइए इस तरीके से, अभी तक आपने ऐसे ये दाल इस तरीके से कभी नहीं खाई होगी। दोस्तों बनाइए और मुझे अपना अनुभव शेयर ज़रूर कीजिए, आगे मैं आपके लिए क्या बना सकती हूँ ज़रूर बताइएगा। ये मैंने पानी डाला इसके अंदर, ये देखिए 3 से 4 गिलास के बीच में इसके अंदर पानी डालना है, और ये ध्यान रखिए कि जो ये चीज़ें हैं ये पूरी भीग जानी चाहिए और पानी ऊपर तक होना चाहिए इनके। अब मैंने ये डाला है 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, और ये मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। कश्मीरी लाल मिर्च से इसका जो कलर है दाल मखनी का बहुत अच्छा आएगा। और ये मैंने सारा चीज़ें मिक्स कर ली हैं, अब इसमें हम 6 से 7 सीटी लगाएंगे, उसके बाद इसको खोल के देखेंगे। गैस कर दी है मैंने ऑन, और अब हम सीटी का इंतज़ार करते हैं। मैंने 6 सीटी लगा ली हैं, अब उसको खोल के देखते हैं। ये गल गई होगी तब तो उसको आगे नहीं लगाएंगे, अगर नहीं गली होगी तो फिर हम 102 सीटी लगाएंगे, पर इतने में दाल गल जाती है। ये मैंने ढक्कन हटा लिया, ये देखिए ये, हाँ ये दाल देखिए मैंने मैश किया, मैश हो गई बिल्कुल, दाल अच्छे से गल गई है। ये देखिए गैस कर दिया मैंने ऑफ, अब हम इसका तैयार करेंगे तड़का, जो इस तड़का ही इस दाल को दाल मखनी बनाएगा। इसके लिए मैंने ले लिया बटर। बटर इस दाल में बहुत अहम रोल है दोस्तों, आप इससे कम भी ले सकते हैं, पर ये डाल के बनाइए आपके पार्टी में रंग जम जाएगा। ये मैंने 100 ग्राम बटर लिया है, बटर को अच्छे से भून लिया मैंने, लो मीडियम मेरा फ्लेम है। ये देखिए बटर हो गया मेल्ट, अब डाल दिया मैंने इसमें 2 बड़े चम्मच लहसुन और अदरक, जो ये भी बारीक कटा हुआ है, कूट सकते हैं आप चाहें तो पेस्ट बना के भी डाल सकते हैं। ये मैंने पका लिया, इसका कच्चापन दूर करना है। इसमें डालेंगे फिर हम थोड़ी सी हरी मिर्चें, अब ये थोड़ा सा भून लेंगे इसको, 1 से 2 मिनट भून लेंगे, लो मीडियम फ्लेम है मेरा। ध्यान रखेंगे कि बटर जले नहीं, इसका कच्चापन दूर हो गया है लहसुन अदरक का। अब मैंने डाल लिया है ये हरी मिर्चें बारीक कटी हुई हैं, हरी मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए। मैंने 5 से 6 हरी मिर्चें डाली हैं इसके अंदर, ये भी मैंने भून लिया इसके साथ। अब इसमें डालेंगे हम टमाटर, टमाटर की प्योरी बना के डालेंगे दोस्तों, क्योंकि दाल का टेक्सचर एकदम मखमली होता है तो हमें टमाटर को पीस के डालना पड़ेगा। 3 मीडियम आकार के मैंने टमाटर लिए हैं, उसको मैंने बना ली है प्योरी बना ली है, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया, उसको भी चला लिया इसके साथ मैंने। अब इसमें डालेंगे कुछ मसाले, ये मैंने आधा छोटा चम्मच हल्दी डाला है, आधा छोटा चम्मच ही हम इसके अंदर डालेंगे ये जीरा पाउडर, और इसमें डालेंगे धनिया पाउडर 1 बड़ा चम्मच। इन मसालों से इसका टेक्सचर बहुत अच्छा हो जाएगा। और अब इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा, मैंने इसमें आधा छोटा चम्मच मैंने गरम मसाला भी ऐड किया बीच में, और ये मैंने लाल मिर्च पाउडर भी ऐड किया है, जिससे इसमें थोड़ा सा तीखापन भी ज़रूरी है, तो वो मैंने 1 छोटा चम्मच डाला है। अब वो सारी चीज़ों को मैं मिक्स कर लूँगी, फ्लेम मेरा भी लो पे है। अब मैं डालूँगी टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट,
थोड़ा सॉल्ट हमारे दाल में भी, सॉरी राजमा और उसमें डला हुआ है, ध्यान रखना है। और बहुत नमक ध्यान से डालना है, इसको भी मिला लेंगे अच्छे से। चलिए ढक देते हैं, गैस मैंने कर दी है स्लो, अब इसको पकने देंगे। ये देखिए तेल जो है धीरे धीरे मसालों से अलग होने लगा है, बटर जो है इसके अंदर, तो इससे हमें पता लग रहा है कि मसाले हमारे भुन गए हैं। फिर से ढक देंगे, इसी तरह से करते हुए हमें 2 से 3 बार इस तरह से करना है। ये देखिए बिल्कुल मसाले भुन गए हैं हमारे, फिर से चला लेंगे, आपस में मिक्स कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे हम अपनी पकी हुई दाल, अच्छे से भुन गया, देख रहे हैं हम, हमको बटर नज़र आ रहा है अलग से। अब इसमें दाल डालेंगे जो हमने उबाल के रखी थी, ये देखिए। देखिए दोस्तों टाइम नहीं लगा, फटाफट हमने दाल उबाला उधर, इधर हमने मसाला तैयार किया, तो आपकी दाल मखनी कुछ समय में रेडी हो जाएगी। इसको अच्छे से मसाले के अंदर दाल मखनी को मिला लेंगे, सॉरी दाल को मिला लेंगे जो हमने इसके अंदर डाली है, अच्छे से इसे चला के। हमारी गल तो गई है दाल, लेकिन इसको हमें और भी ज़्यादा मैश करना है जिससे दाल एकदम प्लेन हो जाए। ये देखिए ये मैसर है, इसे मैं मैश कर रही हूँ, आप चाहें तो चमचे के मदद से भी कर सकते हैं, पर इससे थोड़ा जल्दी हो जाता है। और साग भी मैश करने वाला था, राई उससे भी कर सकते हैं, राई बोलते हैं उसको, मथनी बोलते हैं। ये देखिए ये लकड़ी की है, तो मैं इसे अच्छे से मैश हो जा रही है दाल, मैंने और सारी अच्छे से मैश हो गई हैं। मैश हो जाएंगी तभी इसका स्वाद भी बहुत अच्छा आएगा। ये मैंने तकरीबन 2 बड़े गिलास इसके अंदर पानी डाल लिया, जिससे ये पकेगा तो और भी मिक्स हो जाएगा, और भी जो है स्वाद इसका बढ़ जाएगा। दाल हमारी अच्छे से मिक्स हो गई है, थोड़ी और पकेगी तो और भी ज़्यादा इस दाल बिल्कुल मिक्स हो जाएगी। अब मैंने इसमें डाली है क्रीम, ये मैंने तकरीबन जो है 1/2 कप इसके अंदर मैंने क्रीम ऐड कर ली है। भाई अब दाल मखनी खा रहे हैं तो थोड़ा तो ये चीज़ें डालनी बनती हैं दोस्तों, इसके बिना तो इसका स्वाद भी नहीं आएगा, इसी के लिए ये फेमस है। आपको पता ही है कि शादियों की जान होती है दाल मखनी, तो आप बनाइए, आप शादियों की दाल मखनी भूल जाएंगे बनाना। चलिए लो मीडियम फ्लेम है और ये सब डाल के मैंने ढक दिया, अब इसमें आने लगा बॉयल, थोड़ा पक जाएगा, क्रीम और दाल आपस में मिक्स होकर एकदम मखमली टेक्सचर हो जाएगा दाल का हमारे, जो हम बाहर ढाबा स्टाइल ढाबा में खाते हैं या शादियों में खाते हैं, वैसे ही दाल का टेक्सचर बन जाएगा और स्वाद तो उससे भी ज़्यादा। चलिए इसको और रिच लुक देने के लिए और रिचनेस दाल के अंदर लाने के लिए, क्रीमी स्वाद लाने के लिए, अब हम इसके अंदर थोड़ा सा बटर का मारेंगे तड़का। ये है तकरीबन 50 ग्राम बटर है दोस्तों, तो इसको हमने मेल्ट कर लिया, इसमें इसको हम दाल के ऊपर स्प्रेड करेंगे। आप चाहें तो इसको टोटली अवॉइड कर सकते हैं, दाल वैसे भी बहुत अच्छी लगेगी, लेकिन इसको डाल के देखिए आपकी पार्टी में एकदम वाह वाह हो जाएगी आपकी। ये देखिए दाल तो वैसे हमारी रेडी हो गई है, पर ये मैंने थोड़ा सा और दाल को टेस्टी बनाने के लिए ये मैंने बटर इस पर से डाला है। ये देखिए मेरे घर गेस्ट आ रहे हैं, उन्हीं के लिए मैं बना रही हूँ, तो जैसा कि पार्टी में तो ये बनती ही है, आप बनाइए। और ये देखिए सारे बटर को अच्छे से मिक्स कर लिया, अब चलिए इसको सर्व करने के उस पर चल लेते हैं। दाल बहुत ही टेस्टी है दोस्तों, ये देखिए अब इसको मैं सर्व कर लेती हूँ। ये मैंने कर लिया सर्व, इसमें मैंने डाल लिया ऊपर से गार्निश कर लिया क्रीम से। तो दोस्तों ये दाल आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ना पसंद आए तो भी अपने कमेंट लिखिए, पर लिखिए ज़रूर, और आगे आपके लिए क्या बना जरूर जरूर बताइए। और मेरा वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।